मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जनसंपर्क अभियान चलाकर उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां नीतीश कुमार के पुराने जो दिन हैं, जहां उनकी यादें जुड़ी हुई है, जिस इलाके के लिए वो काम करते रहे और जहां से वो चुनकर बिहार के सियासत के बड़े बादशाह बने। जी हम बात कर रहे हैं, पहले नीतीश कुमार अपने संसदीय क्षेत्र में थे, बाढ़ मोकामे के इलाके में नीतीश कुमार ने कई दिनों तक लोगों से जनसंपर्क अभियान किया, एक एक जो पुराने लोग थे उनसे नीतीश कुमार मुलाकात की है, और अब बाढ़ मोकामा के बाद नीतीश कुमार नालंदा का रुख कर रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, यहीं से नीतीश कुमार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। नीतीश का बचपन इस इलाके में गुजरा है। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की पूरी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि जब से नीतीश कुमार सत्ता में है तो पूरे बिहार का विकास एक तरफ और नालंदा का विकास एक तरफ है। विपक्ष अक्सर यह बात कहकर सदन में या सड़क पर नीतीश कुमार के सामने चैलेंज करता है कि नीतीश कुमार ने नालंदा को विशेष तौर पर तमाम वो सुविधा मुहैया कराई, नालंदा के विकास के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी ये किए रहते हैं। हालांकि आज नीतीश कुमार जब अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, अपने घर पर पहुंचेंगे, अपने मोहल्ले में रहेंगे, अपने गाँव वालों के बीच रहेंगे, अपने जिले के लोगों के बीच रहेंगे, तो किस तरीके की शिकायतें नीतीश को मिलेगी ये भी देखना होगा। दरअसल समाज सुधार अभियान अभी जो यात्रा थी वो ख़त्म हुई, तो नीतीश ने अब जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किया है। वो प्रदेश के अंदर उन इलाकों में खुद जाकर मिल रहे हैं जो लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात नहीं कर पाते थे, जिनकी बातें नीतीश आसानी से नहीं सुन पाते थे। लिहाजा नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो अब खुद उनके पास पहुँच जाएंगे, उनके बीच जाकर देखेंगे हालात क्या है। दरअसल बिहार विधानसभा 2020 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसके जो परिणाम आए थे चुनाव परिणाम, उससे नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हुए थे। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो जेडीयू के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपना खुद का जनाधार बढ़ाने के लिए एक बार उन लोगों से मुलाकात करने का फैसला लिया है जिनसे नीतीश कुमार अक्सर मिला करते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद उनसे दूर हो गया। जो नीतीश कुमार की ताकत थी, नीतीश कुमार उसे फिर से पाना चाहते हैं। इसी कड़ी में नीतीश नालंदा में है और नालंदा के कई क्षेत्रों में नीतीश कुमार लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं, जान रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने बीच देखकर कई लोग उनसे पुराने दिनों की याद करते हैं। वहीं नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकता हूं, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार पुराने साथियों की और नई पीढ़ी के जो लोग नीतीश कुमार से मिलते हैं, उन लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो कई बार अपनी खुशी जाहिर भी कर चुके हैं। हालाँकि नीतीश कुमार के साथ जो उनके पार्टी के कई जो नेता हैं वो मौजूद रहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ उनके इलाके में रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में हैं, आज भी वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, कई गांवों में घूमने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और जो वादा वो किए थे अब तक पूरा नहीं किए हैं उसे पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार नालंदा में क्या कुछ आज करने वाले हैं, उस पर सबकी निगाहें रहेगी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।